इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं या रोशन का FIR कॉपी है। रोशन वह लड़का जो केरला में मजदूरी का काम करता था और वह लड़का बिहार के वैशाली जिला आता है लड़की से मिलने के लिए। लड़की का नाम अंजलि कुमारी, जो कहती है कि तुम बिहार आ जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का आता है। यह लड़का रोशन अपने परिवार को नहीं बताता है कि मैं बिहार आ रहा हूं। यह जो मैं FIR कॉपी दिखा रहा हूं, इसको दिखाने के पीछे यह वजह है कि इस FIR कॉपी में जितनी भी बातें लिखी गई है, अब तक पुलिस के द्वारा कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इस FIR कॉपी को पाने में इन लोगों को 200 रुपया देना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गरीब परिवार आपको बताएंगे सच्चाई। जब किसी की मौत हो जाती है, मौत के बाद FIR कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी के साथ क्या होता है, उसके बाद पुलिस क्या काम करती है, किस तरह से न्याय मिलता है, आज पूरा कहानी को जानेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस वक्त मैं रोशन के गांव में ही मौजूद हूँ। इस गांव का नाम सेहान है। मैंने दिखाया आपको खबर में, जब आप FIR कॉपी मांगने के लिए गए तो वहाँ पर क्या क्या हुआ था? FIR कॉपी मांगने जब हम लोग गए थे, उसका नकल जो कहता है, नकल लेने के लिए, तो हम लोगों को 200 रुपया मांगा गया, नहीं दे रहा था, तो फिर हम लोग 200 एक फ़ोटो कॉपी का जो, फिर हम लोग 200 रुपया दे करके उसके बाद फ़ोटो कॉपी ले करके आए वहाँ से FIR का। अच्छा, 200 रुपया दिए तब आपको ये मिला कॉपी, है ना? अच्छा, ये बताया आप, जब आप डेड बॉडी रिसीव करने के लिए गए तो वहाँ कितना देना पड़ा पैसा आपको? 1200 मांग रहे थे, तो 1000 रुपया दे के, हम लोग का अपना डेड बॉडी है तो लेकर ही आएंगे, छोड़ के थोड़े ही आएंगे। पैसा मांगा, तो पैसा मांगा जा रहा था आपसे 1200-1300 रुपया, किस लिए मांगा जा रहा था? डेड बॉडी का, तब रिसीव हुआ डेड बॉडी। जैसे डेड बॉडी लेना है तो 1200 रुपया मांग किया, जिसमें तो 1000 दे करके डेड बॉडी लिया गया, नहीं तो बोल रहा था कि आपको डेड बॉडी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? अब ये तो उन्हीं लोग न जानेंगे, उन लोगों का कमाने खाने का यही धंधा है और क्या। और यहाँ तक कि प्रशासन एम्बुलेंस भी नहीं दिया, हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस करके गए। यानी गेरोल थाना के द्वारा आपको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया? जी, डॉक्टर साहब बोले जे ये तो एक्सीडेंटल केस लिख करके भेजा गया है कागज़ पर, और ये मर्डर है, तो बुलाइए कौन दरोगा लिखा है। तो दरोगा जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो उसके बाद अंदर गए, डॉक्टर साहब से 1-1.5 घंटा तक बातचीत करते रहे, उतना देर हम लोग इंतज़ार करते रहे, उसके बाद पोस्टमार्टम उसका पोस्टमार्टम किया गया, फिर हम लोग को डेड बॉडी लेने के लिए 1200 रुपया का डिमांड किया गया। हम बोले हम लोग, अच्छा, ये बताइए आप, आपने एक बात कहा अभी कि डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि एक्सीडेंटल है ये, लेकिन आपके द्वारा हत्या है, सच्चाई क्या, हत्या है कि एक्सीडेंट हुआ है? हत्या है, हत्या कर करके। क्या प्रूफ हो चुका है पोस्टमार्टम में? अभी उसका रिपोर्ट हम लोगों का नहीं मिला है। अब प्रूफ तो वहाँ के नागरिक और जसमंदी गवाह, उसका पिता है लाल बच्चन महतो जी, उसके आंखों के सामने मारा गया है, तो अब आई विटनेस लाल बच्चन महतो है, ये है, तो अब इसमें प्रूफ और क्या चाहिए? जी हाँ, यह सवाल करने के पीछे वजह यह है कि आप लोग खोजते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन देख लीजिए कि यहाँ पे चश्मदीद इनके खुद पिता हैं, पिता को भी बंधक बनाया गया, मारा भी गया, बहुत पिटाई भी की गई है। गुरौल से रेफर किया गया सदर अस्पताल हाजीपुर में, भर्ती हुए रात भर गुरौल से, मतलब रेफर किया गया, तो उसके बाद थोड़ा ठीक हुए। सोचिए, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी रिसीव करने के लिए डिमांड किया जाता है पैसा, ये गरीब लोग 1000 रुपया ही दे पाते हैं और बॉडी को रिसीव करते हैं। अगर ये लोग 1000 रुपया नहीं दे पाते तो सोचिए उस बॉडी के साथ क्या होता। ये है बिहार प्रशासन, ये है बिहार व्यवस्था। वहाँ से डेड बॉडी लाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया, हम लोग 3500 रुपया में एम्बुलेंस करके लाए यहाँ पर। बताइए, यहाँ के सरकार कहती है हम सारा व्यवस्था दे रहे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो भी कहते हैं जो हम बिहार में पूरा स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान हमारा केंद्रित है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे वाले के लिए हुए सारा चीज़, पैसे वाले के मसीहा है, पैसे गुंडा राज है, गुंडा को ही साथ देते हैं, ये गरीब को नहीं, इंसान आदमी को कोई देखने वाला नहीं। इस वक्त
इस परिवार को ताकने झांकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। कई दिनों से यह खबर चल रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, हम लोग भी दिखा रहे हैं, जनमसूच भी दिखा रहा है कि इस परिवार को न्याय चाहिए। कोई भी सामने नहीं आया, कोई सामने आया है? नहीं, यहाँ का मुखिया भी नहीं आया, कोई नहीं आया है। मैं इसलिए खबर दिखा रहा हूँ कि देखिए कि किसी गरीब परिवार का कोई लड़का का हत्या कर दिया जाता है, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आता है। यह सच आप लोगों के सामने होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि बिहार में हो क्या रहा है। यह है सच्चाई। प्लीज़ दर्शकों, इस वीडियो को वायरल कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।